डराने धमकाने की भी कोशिश होती है। हाँ, अभी हाल ही में रतन जी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, यहीं बाराबंकी के लोगों ने दी थी। शेर की और बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती, शोषक और शोषित की दोस्ती नहीं हो सकती, इनको समझना पड़ेगा, और जो इस बात को समझ गए वो सत्ता में है। नीतीश जी के आने से यूपी में जो बीजेपी का बेस वोट है ओबीसी, खास करके कुर्मी समाज, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खिसक जाएगा। लोगों के जहन में डर बैठा हुआ है, खतरा नहीं है इतना। आप आए हैं, आपको क्या खतरा लगा, आप बता दीजिए। मैं तो पूरे देश में नहीं, तो कोई खतरा नहीं है, एक डर बैठा दिया गया, एक टेरर कायम कर दिया गया है। मैं इस समय लखनऊ में हूं और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, भंते सुमित रतन, आप सब इनको जानते हैं। अक्टूबर में एक बड़ा आयोजन हो रहा है धम्म को लेकर, अक्टूबर का महीना है, बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, सम्राट अशोक का वो महीना है जब उन्होंने धम्म को बढ़ाने में, अशोक का विजयादशमी भी है, तो अक्टूबर में एक बड़ा आयोजन हो रहा है लखनऊ में, उस पर भी बात करेंगे। और एक युवा साथी हमारे साथ पेशे से वकील हैं, और हिंदी पट्टी में कल एक बड़ा प्रोग्राम हुआ पेरियार को लेकर, जिसकी उम्मीद नहीं थी। टीवी अखबार आपको कल दिन भर जब चीता दिखा रहा था तो पूरा भारत और बहुजन समाज पेरियार साहब को की जयंती मना रहा था। भंते जी, पहले तो अपना कल वाला प्रोग्राम जो था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि लखनऊ में और आज के दौर में पेरियार की जयंती मनाई जाए। पहले आप अपने कार्यक्रम का डिटेल बताइए जो लखनऊ में आप करने जा रहे हैं। लखनऊ में 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन है, और इस सम्मेलन में हमने लगभग 7 देशों से अतिथियों का आमंत्रित किया है, और आउट ऑफ स्टेट से लगभग 10,000 लोग आ रहे हैं। उम्मीद है कि लगभग 1,00,000 लोग रहेंगे। सरकार की परमिशन मिल गई है, पुलिस की परमिशन मिल गई है, उसका पैसा जमा करा दिया गया चूँकि किराए पे मिलता है, और लगभग अतिथियों के रुकने के लिए लगभग 7 विद्यालय और छोटे छोटे 7 होटल बुक करा दिए गए हैं, और लगभग इस समय 7 गाड़ियाँ पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रही हैं। ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है, ये बुद्ध, फुले, साहू और अम्बेडकरी विचारधारा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जितने भी 85 हैं सबको आमंत्रित किया गया है। अगर इस कार्यक्रम में कोई आता है तो जोड़ने का भाव है, और अगर शामिल नहीं हो रहा है तो बहुजन होकर के वो ब्राह्मण है, तोड़ना चाहता है, ऐसा हम लोग संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हम इस कार्यक्रम में सबको आमंत्रित कर रहे हैं। क्या है तारीख, एक बार फिर से बता दीजिए, जगह बता दीजिए। 9 अक्टूबर राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन, ये मान्यवर कांशीराम स्मृति उपवन है, जो बहुत ही वेल मेंटेड रैली स्थल है, जहाँ पार्किंग की कोई कमी नहीं, शौचालय की कोई कमी नहीं और जगह की कोई कमी नहीं, बहुत बड़ा मंच है जहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ आयोजित होती हैं, मुख्यमंत्री जहाँ शपथ लिया करते हैं, ये वह जगह है जिसका लगभग 2,50,000 रुपये तो किराया चला जाता है, इतना बड़ा स्थल है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आएँ, विचारधारा को बढ़ाएँ। मायावती जी ने बनवाया था जी, माननीय बहन जी ने उसको बनवाया था, हालांकि उत्तर प्रदेश में दोनों रैली स्थल बहन जी ने ही बनवाए हैं और किसी मुख्यमंत्री नहीं बनवाए हैं। कौन कौन? किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने अच्छे रैली स्थल नहीं बनवाए जितने अच्छे उन्होंने बनवाए, और संयोग से ये संयोग है, क्योंकि हम अशोक धम्म विजयदशमी को कार्यक्रम करना चाहते थे, बाबा साहब की दीक्षा पर कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन कोई भी दिन जगह खाली नहीं थी और संडे नहीं था, तो संयोग से मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है। हम लोग सबसे पहले 9 बजे मान्यवर कांशीराम साहब को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे हजारों की संख्या में, और फिर बौद्ध 5 अक्टूबर 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर को कार्यक्रम है ना? जी जी, 9 अक्टूबर को कार्यक्रम है, 5 अक्टूबर को कार्यक्रम है, 5 अक्टूबर को कार्यक्रम दिल्ली में है। हाँ। उस कार्यक्रम में भी दीक्षा दी जा रही है, 9 अक्टूबर को सारी दिल्ली की टीम लखनऊ आ जाएगी। तो 9 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन है लखनऊ के लिए, और भंते जी का कार्यक्रम, एक सवाल और भी लेंगे, लेकिन युवा साथी हैं आप लोग, यूपी में लोग कह रहे थे लखनऊ में और पेरियार की जयंती, बड़ा दबाव होगा। नहीं, खैर ऐसा कोई दबाव नहीं था, जब आप जैसे साथी, पत्रकार साथी हम लोगों से जुड़े, प्रोफेसर रतन लाल जी, लक्ष्मण जी और जस्टिस वीरेंद्र सिंह साहब, पी विल्सन साहब, सब लोग तैयार थे, तो युवा टीम है और अधिवक्ता साथी हैं, तमाम अधिवक्ता साथी एक्टिव थे, तो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। हाँ, अब इस तरह की विचारधारा इस समय में आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लोगों के फ़ोन्स आते हैं, LIU सक्रिय हो जाता है, बाकी कार्यक्रमों में नहीं होता है, अगर कार्यक्रम दूसरी विचारधारा के हों। डराने धमकाने की भी कोशिश होती है? हाँ, अभी हाल ही में रतन जी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, यहीं बाराबंकी के लोगों ने दी थी, लेकिन उसको भी जो है बैठ के सॉर्ट आउट कर दिया गया है,
और जो हम लोगों का मिशन है सामाजिक न्याय का मिशन, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग इसी तरह से बहुजन महापुरुषों की शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं। अभी इलाहाबाद में मंडल जयंती पर कार्यक्रम था, वहाँ भी जो है काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था। पेरियार जयंती पर यहाँ लखनऊ में कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में भी आपने देखा जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बहुजन समाज में इस समय चेतना आई हुई है और इसको जो है लगातार इस मूवमेंट को बनाए रखना है। जो साउथ इंडिया में पेरियार साहब का मूवमेंट चला उसे नॉर्थ इंडिया में चलाना है, और जो संगठन का हम लोगों के उद्देश्य है माननीय जो है माननीय जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, संस्थापक हैं, मुख्य न्यासी हैं, हम उस संगठन में सचिव हैं, और ये चौपाले हम गांव में जाकर के ग्रामीण बच्चों महिलाओं और पुरुषों के बीच में कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो है बहुजन महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, पाखंडवाद को दूर कर रहे हैं, और जब पाखंडवाद दूर होगा तभी व्यक्ति का जब साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा तभी उसका कुछ ना कुछ विकास होगा। वकील साहब, क्या लगता है कि जो दो बड़ी पोलिटिकल पार्टी है यहाँ जो बहुजन लीडरशिप वाली सपा और बसपा, फायदा फाइनली उसी को होगा, आपकी पोलिटिकल रीच भी है, तो क्या लगता है उन लोगों का समर्थन रहता है, उनके समर्थक आते हैं ज़्यादातर उस आंदोलन में, नेता भले दूरी बनाए रहे? हाँ, समर्थक तो कहीं ना कहीं आते हैं लेकिन नेता दूरी बनाए रखते हैं और नेताओं का किसी प्रकार का कोई सहयोग भी नहीं मिलता है। तो उनको नहीं लगता अब तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश, बिहार में और झारखंड में सोशल जस्टिस की बात करके लोग सत्ता में हैं और अब वहाँ बीजेपी के लिए कोई मौका नहीं है, तो ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल जस्टिस ही एकमात्र काट है बीजेपी का? सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन जवाब भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। अगर समझ में आता तो सत्ता में होते, अगर समझ में आता तो सत्ता में। भंते जी, क्या लग रहा है अभी डीएम के, वो जो तीन पार्टियाँ जो सीधे सीधे सोशल जस्टिस की बात कर रही है वो सत्ता में है, जेएमएम आदिवासियों की पार्टी है, डीएमके बहुजनों की पार्टी है, आदिवासी मतलब जो आदिवासी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी है, और आरजेडी, क्या यूपी के, यूपी चूंकि क्रूशियल राज्य, नीतीश जी हो सकता है यूपी से चुनाव भी लड़ें अगली बार, उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को जो 2024 में 14 में आया वो 2024 में नहीं आने देंगे, क्या लगता है क्या नीतीश कुमार के आने के बाद बहुजन समाज में खासकर ओबीसी पूरा बदल जाएगा? देखिए, बहुजन समाज में दोहरे चरित्र के लोग हैं, पेरियार की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन लाइन नहीं खींचते हैं, सेम लाइक लालू प्रसाद यादव, सामाजिक न्याय की बहुत बात करते थे लेकिन कोई भी उनका त्यौहार बिना ब्राह्मणों के नहीं होता था। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे नेता हैं जो राजनीति कर रहे हैं और ऐसे दोहरे चरित्र के बहुत नेता हैं जो पेरियार की बात करते हैं लेकिन बिना ब्राह्मणों के वो रह नहीं पाते हैं, जब तक ब्राह्मणों का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिल जाता। इन्हें ये लाइन खींचनी पड़ेगी कि शेर की और बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती, शोषक और शोषित की दोस्ती नहीं हो सकती, इनको समझना पड़ेगा, और जो इस बात को समझ गए वो सत्ता में हैं और जो नहीं समझ पाए वो विपक्ष में मजे काट रहे हैं बहुजनों को कष्ट देकर। क्या लग रहा है भंते जी कह रहे हैं, आप लोग को क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां उसको समझ में आ रहा है कि ग्राउंड पर क्या करना होगा, और नीतीश जी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? नो डाउट नीतीश जी की जो छवि है वो बहुत अच्छी है, अगर नीतीश जी को भविष्य का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाता है विपक्ष की ओर से तो जरूर प्रधानमंत्री, तो उन्होंने खुद कहा कि कौन बनेगा तय नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो नहीं रहेंगे, उनका वो लक्ष्य है। उन्होंने अखिलेश यादव से बात की है, मायावती जी से भी अंतिम दौर में बातचीत होगी, रावण से भी मुलाकात हुई, तो यूपी की राजनीति पर क्या असर होगा इसका, और अगर वो खुद यूपी में आते हैं चुनाव लड़ने? जी नीतीश जी, हाँ नो डाउट बदलाव होगा नीतीश जी के आने से। यूपी में जो बीजेपी का बेस वोट है ओबीसी, खास करके कुर्मी समाज, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खिसक जाएगा। अच्छा, यहाँ कुर्मी समाज ओबीसी का बेस वोट है? बीजेपी का बेस वोट है इस समय, बीजेपी का बेस वोट है, वो जरूर जो है टूटेगा, और जरूरी भी है, नीतीश जी को आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे भाई अगर हमसे दूर हैं तो कहीं ना कहीं ताकत हमारे दुश्मन की मजबूत हो रही है, इसलिए जो है अखिलेश जी को भी बड़ा दिल दिखाते हुए, बहन जी को, अब मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके सामने, लेकिन यही सलाह दूंगा कि नीतीश जी को आगे करें और नीतीश जी सब समाज का, ओबीसी का, बहुजन समाज का पूरे नेतृत्व करें। आपको क्या लग रहा है भंते जी, वो नीतीश जी ने कहा कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे, इसकी गारंटी ले रहा हूँ मैं, यूपी को वो अपना बैटल फील्ड बनाना चाह रहे हैं, ओबीसी हैं, गुजरात हो, उड़ीसा हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उनका अपना एक कैडर बोर्ड भी है, अखिलेश जी से बात हो गई है, रावण से मुलाकात हो गई है, मायावती से हो ही सकती है, क्या आपको क्या लग रहा है, ये पॉलिटिकल मूव लग रहा है कि बहुजन इससे जुड़ जाएगा? हो सकता है जैसा सब लोग चाह रहे हैं ऐसा हो जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए हम लोगों से वोट लिया है,
और सत्ता परिवर्तन करके उन्होंने अरबों खरबों रुपया भी कमा लिया है। कई लोग जेल भी जा चुके हैं, कई लोग जेल जाने के लिए डर भी रहे हैं। जो व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगा, बहुजन समाज उसी को वोट देगा। ये हम लोगों को समझा रहे हैं गांव-गांव, ये सामाजिक परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा दर्द इस बात का है, अभी तो सोशल जस्टिस पर ही नहीं आ रहे हैं। सोशल जस्टिस भी नहीं है सर, सत्ता परिवर्तन तो करना चाहते हैं और की है उत्तर प्रदेश में, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कोई नहीं हुआ सर। ठाकुर का वही सम्मान है, ब्राह्मण का वही सम्मान है और शूद्र का वही सम्मान है। इवन मंत्रालय जब बांटा जाता है तो जो मंत्रालय सबसे खराब होता वो एससी ओबीसी को दिया जाता है। मतलब मेरा ये है कि हम बहुजनों को तैयार कर रहे हैं इस बात के लिए कि सत्ता परिवर्तन के लिए वोट नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की जो बात करेगा उसी को वोट दिया जाए। चलिए, इस समय हम लोग लखनऊ में हैं और पेरियार की जयंती में शामिल हुए और 9 अक्टूबर को बड़ा बहुजनों की बैठक हो रही है, जिसमें जिसका जो नेतृत्व है, जिसका आयोजन जो है, भंते सुमित रतन कर रहे हैं और युवा साथी हैं मंडल जी। मंडल जी, एक आखिरी सवाल कि आप लोग यूपी में काम करते हैं, पूरे बहुजन समाज के दिमाग में एक डर बैठा दिया जाता है, डरो डरो डरो, क्या मैसेज देंगे? सचमुच इतना खतरा या लोग के जहन में डर बैठा हुआ है? मेरा मानना है लोगों के जहन में डर बैठा हुआ है, खतरा नहीं है इतना। आप आए हैं, आपको क्या खतरा लगा आप बता दीजिए। मैं तो पूरे देश में नहीं, तो कोई खतरा नहीं है, एक डर बैठा दिया गया, एक टेरर कायम कर दिया गया है, मानसिक रूप से ताकि आप जमा ना हो, मानसिक दबाव, जैसे कहते हैं ना मानसिक दबाव बना रहना चाहिए, तो वो मानसिक दबाव बना रहे हैं लोग। कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए, आप पेरियार जयंती का कार्यक्रम हो रहा है, इससे पहले भी यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, तब ये सरकार नहीं थी, तब ईंट पथराव हो गया था, टमाटर फेंक दिए गए थे, ये सरकार नहीं थी, बहुजन सरकार थी। आज कितनी शानदार तरीके से कार्यक्रम हुआ। मंत्री जी, टेरर आपको भी डर लग रहा है? देखिए, जो दिमाग में डर बैठा, देखिए जो डरा रहे हैं, मरने का डर उनको भी लगता है। जो हमें डरा रहे हैं या किसी और को डरा रहे हैं, वो भी स्टील या लोहे के नहीं बने, हार्ड मास के बने हैं, उनको भी बुलेट का डर लगता है। और ये वो ऐसा ना समझें कि हम बुलेट वाले नहीं हैं, हम लोग बुलेट वाले भी हैं। ये मंत्री जी कह रहे हैं कि जैसे को तैसा, लेकिन मैं किसी भी तरह के हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जो मानसिक रूप से आपके दिमाग में डर बैठा है, उससे निकले। डेमोक्रेसी में आपके पास संविधान है और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए आपको सड़कों पर आना चाहिए। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। दो खास बातें थी आपसे बताना। 9 अक्टूबर को लखनऊ में भंते सुमित रतन के नेतृत्व में एक बड़ा आयोजन है और पेरियार साहब की जयंती जिस तरह से लखनऊ में मनाई गई, उसके लिए इन युवा साथियों को धन्यवाद। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।